गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, माय नेम इज कमलजीत राणा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं थैंक यू सो मच। काफ़ी टाइम बाद, लाइक आई थिंक ऑलमोस्ट 5 से 7 दिन का गैप हो गया है मेरे वीडियो डालने में यूट्यूब पे। उसका रीज़न ये है कि मेरा जो लॉकडाउन से पहले कई सारे शूट्स चल रहे थे, वो अभी लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो सारे शूट्स रिज्यूम हुए, तो सब एक साथ यू नो रिज्यूम हो गए हैं शूट्स। और डेट्स किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, किसको कितना डिले करना है, सब कुछ हो गया था इतना सारा। और सब अभी पिछले 5 दिन में लगातार काम कर रहा था और बिल्कुल सो नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल थका हुआ हूँ। सुबह जल्दी उठना पड़ता था, शाम को इतना थका हुआ आता था शूट से, एंड इट हैज़ बीन अ वेरी हेक्टिक वीक फॉर मी। और इसी वजह से मैं यूट्यूब पर फिर वीडियो भी डाल नहीं पाया था, लेकिन अब जो है मुझे आज का एक फ्री दिन मिला है, रेस्ट मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आराम से एक वीडियो शूट करूं। मतलब रात को तो मैं बहुत जल्दी सो गया था, इतना थका हुआ था, खाना खाया और जल्दी से सो गया। सुबह आराम से उठा हूं मैं, इतने टाइम बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने कितनी लंबी नींद ली है, बहुत मस्त तरीके से सोया मैं। और जब मैं उठा तो ज्योति मेरे लिए पूरा चाय वाय तैयार करके ले आई थी। ये मेरी चाय जो मैं पी रहा हूँ, ये मेरा बच्चा मेरे साथ बैठा है। आज इतने दिनों बाद हम ऐसे बैठे हैं ना सुबह सुबह। जो जो से हाय, तो नो मेरे बच्चे, तू इतना सुंदर लग रहा है मेरा बच्चा। इतनी स्वाद चाय बनाई है, इतनी स्वाद चाय कि भाई ज्योति ने अपनी हिस्ट्री में, ये उसने ज्योति ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बहुत ही टेस्टी चाय बना दी, मजा आ गया। एक घूट लेते ही ऐसा होगा था कि वाह वाह ताज, नहीं ताज तो नहीं, वाह ज्योति वाह क्या चाय बनाई। जो जो हा? यार पता है सब लोग इतनी बार पूछ चुके ना हमारी लव स्टोरी के बारे में, तो आई थिंक वी शुड आज हम बैठ के बता देते हैं। आज आराम से बैठेंगे, आराम से ही तो बैठे हैं। अब क्या की वीडियो बनाएंगे ना फिर एक दिन, अरे कोई नहीं, इसी में बनाते हैं ना आज। अच्छा मौसम है, सुबह सुबह बाहर बारिश हो रही है, मस्त चिल कर दे आज। मेरा हेयर बैंड लग गया, 2 मिनट हाँ, मैं हेयर बैंड था मेरा, ये बंद देखना उधर रखा होगा तुम्हारे वाला लगा। हाँ ठीक है, सुंदर लग रहा, आजा बस। बस कहाँ से शुरू करें? आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। और हम एक काम कर सकते हैं, और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी मैं वहाँ क्या कर रहा था, और ज्योति अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएगी, और कैसे हमारी दोनों की कहानी एक साथ हम आगे देखेंगे। हम दोनों वहाँ एक ही काम करने के लिए आए थे, बट ठीक है समझ गया, पर्सपेक्टिव जो था ना हमारा वहाँ पे। तो भाई हम लोग 5 या 6 साल पहले हमने एक एड था, एशियन पेंट्स का एड था, वो हमने साथ में किया था, शूट कर रहे थे, वी वर अ पार्ट ऑफ दैट एड। पूरा माहौल था शूट का, वो ऐसा था कि हम लोग सब घर में हाउस पार्टी चल रही है और हम लोग सब बैठे हुए हैं, एंड आई रिमेम्बर ज्योति वाज सिटिंग टू माय राइट, थोड़ा सा आगे, ही वाज टॉकिंग टू ऑल द गर्ल्स। अरे वो जो हरियाणवी थी, हाँ मतलब वो हरियाणवी थी, तो उससे बात चल रही थी, एंड देन आफ्टर सम टाइम ज्योति केम एंड गॉट इन्वॉल्व इन द कन्वर्सेशन एंड नो। अच्छा ठीक है, come anywhere, I didn't go anywhere, I kept sitting there, yeah. We exchanged a smile, yeah. And you still did not speak to me. Now all this while I was definitely noticing this person ke bhai sab ladkiyon se baat kar raha hai, sirf mujhse nahi kar raha hai. But Kamal ka scene ye tha ke everybody was involved in talking. That is why he was talking to everybody, and since I was not looking like कि मैं कोई बहुत ज़्यादा involved हो रही हूँ, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रहा था, but मैं इसको notice कर रही थी। अब हमारी smile exchange हुई, तो मैंने बोला चलो अब बात शुरू होगी शायद, and then हमारी बात बच्चा पता है कब तक नहीं हुई, जब तक हम वापस नहीं गए थे इकट्ठे, समझा? Oh, okay. पूरा शूट हो गया, मैं कमल को नोटिस कर रही थी, कमल मुझे बिल्कुल नोटिस नहीं कर रहा था, कमल बाकी सबको नोटिस कर रहा था, बस मुझे ही नहीं कर रहा था। अब शूट खत्म हो गया, शूट खत्म होने के बाद इट वाज लाइक सेट पे बात चली, जैसे अंधेरा हो जाता है तो कई बार ऐसे होता है कि कौन किस साइड जा रहा है, तो सब साथ ही निकल लो, तो मेरा कमल का और एक और लड़का था सिद्धार्थ तो ऐसे हम 3-4 लोग किसी की गाड़ी में डिसाइड हुआ कि वो उस साइड जा रहे हैं तो हम वहां जाते हैं। अभी ये हुआ कि पहले सिद्धार्थ उतर गया, सिद्धार्थ वॉचेस योर माइंड आल्सो, हाय सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ उतर गया, फिर उसके बाद मैं और कमल रह गए, फिर कमल ने पूछा कि कहाँ से हो तुम, ये वो, मैं तो मैं उस टाइम रहा करती थी हैदराबाद, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो फिर कमल ने मुझसे पूछा कि क्या करती हो, मैंने बोला कि मैं हैदराबाद में कुछ 1-2 तेलुगु फिल्म्स कर रही हूँ, तो इसे ओके अच्छा वेरी नाइस। तो फिर कमल ने मुझसे फेसबुक पे मेरे ऐड हुआ,
कमल ने बोला कि मैं फेसबुक पे हो तुम तो मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ. मैंने बोला ठीक है. एक सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ कि हमारा नंबर एक्सचेंज उसी दिन हुआ था. आई रिमेम्बर जिस दिन हम मिले थे, हम ऑटो से उतर के. ठीक है चलो, नंबर नंबर एक्सचेंज हुआ और मैंने इसका ज्योति का नंबर सेव किया था. ज्योति सेठी तेलुगु एक्ट्रेस करके. चलो नंबर एक्सचेंज हो गया. हाँ ठीक है. अब उसके बाद फेसबुक पे मुझे कभी कभी मैसेंजर पे कमल के मैसेज आते थे, जैसे 2 महीने में एक बार, और बता क्या कर रही है. हाँ. तो मैं ज्यादा बिल्कुल भी लाइन नहीं देती थी, बिल्कुल भी. क्या फुल ऑन एटीट्यूड देती थी? हाँ, मतलब मैं आई थिंक वैसे भी आई थिंक आई वॉज इन अ रिलेशनशिप विद समबडी. इट वॉज नॉट अ सीरियस रिलेशनशिप बट आई वॉज टॉकिंग टू समबडी एंड हाँ, तो मैं बस जो वो पूछता था उसका जवाब ऐसे ही दे देती थी. वो भी 2-2 दिन बाद देती थी कि हाँ ठीक हूँ बस ये वो. फिर एक दिन क्या हो रहा है, एक दिन क्या होता है, मेरे को साउथ का एक बहुत अच्छे डिजाइनर है श्रवण कुमार, उनका मुझे कॉल आता है कि वो हैदराबाद में एक शो करने वाले हैं, तो ही वॉन्ट्स टू कॉल मी देयर. एंड आई वाज लाइक ठीक है चलते हैं, बलिबुल करके क्योंकि काम कर रहे थे हम. तो आई क्विकली मैसेज हर, मैं ज्योति को मैसेज किया कि ज्योति ऐसे ऐसे यहाँ पे शो है और नोवोटेल कन्वेंशन सेंटर में. हैदराबाद रहती हो ना, वेलकम. तुम अभी भी हैदराबाद में हो ना? मैं बोला हाँ. आखिर अरे मेरा एक शो आ गया वहाँ हैदराबाद में, तो तुम मेरा ऐसे ऐसे इस जगह पे है. तो मेरे बोला अरे मैं वॉकिंग 2 मिनट्स रहती हूँ उस जगह से. अब वो टाइम वो था जहाँ पे मैं हैदराबाद छोड़ के वापस शिफ्ट हो रही थी बॉम्बे. मेरा ऑलमोस्ट सामान पैक हो चुका था, 3-4 दिनों में मुझे वापस बॉम्बे आना था. तो मैंने इसे बताया, मैंने कहा बट तुम आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम घर के बहुत करीब हो, आ जाओ. नाउ आई टोल्ड यू आई वाज डेटिंग समबडी. तो रात को कमल लेट पहुंचा हैदराबाद. तो रात को कमल ने 12 बजे मुझे मैसेज किया कि हाय क्या कर रही है, मैं आ गया. तो मैं अकेली थी घर में, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैंने कहा यार रात को 12 बजे मुझे बता रहा है. मैंने बोला हाँ ठीक है गुड, तुम पहुंच गए हो, बट कल सुबह मिलते हैं. तो एक काम करो कल सुबह आ जाओ, एंड सो पर्सन जिसको आई वाज सीइंग इज आल्सो कमिंग. नाउ अर्ली मॉर्निंग ज्योति केम टू पिक मी अप, बिकॉज मुझे पता नहीं था ना घर कहाँ पर है. तो आई टोल्ड कि यार कहाँ पे आना है मुझे पता नहीं है. 2 मिनट का तो रास्ता है. तो भाई साहब लड़की आती है फुल स्पीड पे पुंडो चला के गाड़ी ऐसे घुमा के होटल नोवेटल के सामने लगाती पागरी लगा. ओके कमल को लेके आई, मैंने हल्का सा ब्रेकफास्ट वगैरह कराया और हम तीनों बैठे हुए थे, दैट बॉय हिम एंड मी, एंड दे वर टॉकिंग कुछ तो गीता के बारे में बात कर रहे थे, बुक्स के बारे में बात कर रहे थे, बुक्स के बारे में, थिएटर के बारे में बात कर रहे थे. और आई मेट एटम फॉर द फर्स्ट टाइम देयर. यस. और नाश्ते में ज्योति ने बनाया ऑमलेट. इससे आट हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें वादे की, एंड देन आफ्टर दैट मेरी शो के रिहर्सल्स का टाइम हो गया, एंड देन आई लेफ्ट. नाउ कट टू आफ्टर आई शिफ्टेड टू बॉम्बे. 4-5 दिनों के अंदर ज्योति शिफ्टेड टू मुंबई. Now, no. I did not contact him. He did not contact me. Yes. Nothing at all. Nothing at all. Now, since I had shifted to Bombay after 2 years or so, I was like, मैं calling everybody ना, मेरे friends वापस से कि भाई मैं आ गई हूँ, चलो मिलते हैं. तो I was calling everybody and then एक almost every night I was going out with some or the other friend. Yes. Now what happened? First time I went. वहाँ पे देखा कमल है. WTF कमल ज्योति ये क्या मतलब और सब बढ़िया. ओके बाय. बस इतना पहले दिन. अब कट टू 2 डेज बाद फिर WTF में बम्प्ड इनटू ईच अदर. अरे तुम यहाँ ये वो. अच्छा फिर हमने ज्वाइन भी किया एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए. वो थर्ड पार्ट थर्ड टाइम में किया. हाँ, okay. दूसरी बार फिर मिले ऐसे हाय हेलो हुआ ये वो ये, और फिर उसका मैसेज भी किया इट वाज नाइस सीइंग यू, तू सब ठीक है ये वो. एंड देन फिर तीसरी बार जब हम फिर से बम्प इनटू ईच अदर, हमने कहा अगेन बम्प इनटू ईच अदर एट द सेम प्लेस. एट द सेम प्लेस भाई. इन द स्पैन ऑफ ओनली 10 डेज. 10 डेज. यस. तीन बार बिना डिसाइड हुए मिले तीनों एक दूसरे से. नाउ थोड़ा बहुत ज्वाइन भी कर लिया एक दूसरे को कि अरे आजा इधर ही आजा चलिए वो. मैं किसके साथ थी? रमित के साथ. हाँ तो अभी क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद ये सारी बातें हो रही थी जुलाई में. जुलाई. यस. अब क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद एक हमारी कॉमन फ्रेंड है, कमल की बहन बनी हुई है और मेरी फ्रेंड थी एनी, उसका नाम है एनी का आया बर्थडे आया, मेरे को इनवाइट आया. मैंने सीधा इनवाइट सुनते ही कमल को फोन किया. मैंने कहा भाई सुनो इस बार हम एक दूसरे में बम्प हो, पहले ही बता दो आ रहे हो क्या, एनी का बर्थडे है. इसे तू आएगी क्या? मैं बोला हाँ तो ठीक है मैं आता हूँ. तुम आ रही हो ना पक्का? मैंने कहा तुम आ रहे हो क्या? तो फिर मैं भी आती हूँ ठीक है. मतलब ऐसे हो गया, दोनों ने एक दूसरे को बोला कि तू आ रहा है तो मैं आऊंगी, तू आ रही है तो मैं आऊंगी. तो हमने कहा चलो ठीक है. लेकिन इधर से मैं अपनी एक दोस्त को लेके गई क्योंकि मुझे था कि भाई मैं अजीब सा हो जाएगा इसके साथ अकेले. तो एक मेरी फ्रेंड है सेजल, उसको मैं साथ ले गई. अब जी हम वहां बैठे हुए तो भाई कमल ने पी ली एक ड्रिंक.
कमल एक ड्रिंक में हो जाता है कि भाई जैसे बच्चे होते हैं, जैसे गलती से मुंह लग जाए तो, है ना? तो हमारा ना मजाक मजाक में जैसे चलता नहीं, भाई तू एक काम कर, हम दोनों ना रिलेशन नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा मेरा। तो बताओ क्या होगा फिर, तुम बताओ। चलो मैं नहीं, तेरी वीडियो ऐसे बताया। हाँ, तो मतलब मैं डांस तो काट रहा है, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं डांस करते करते तेरे पास आ रहा था बीच बीच में, और रिलेशनशिप की बात शुरू हो गई थी। मैं फिर मैं ऐसे मैं बीच में डांस कर रहा हूँ, ठुमके मारो और कहूँ देख भाई, मैं तो सिंगल हो क्या? हाँ, एक सिंगल हो क्या? सिंगल हो क्या? कमल इज वेरी secretive about his love life specially. तो कमल was not telling anybody कि उसका ब्रेकअप चल रहा है, क्या है। तो मैंने कहा तुम क्या सिंगल हो क्या? बोला हाँ यार सिंगल हूँ। मैंने कहा अरे वेरी गुड, मैं भी सिंगल हूँ। क्योंकि मैंने क्यों बोला मैं सिंगल हूँ, क्योंकि जब मैं हैदराबाद से आई थी, मैं उस बंदे के साथ ब्रेकअप करके आई थी। मुंबई आके हो गया था एक्चुअली मेरा ब्रेकअप, वहां पे नहीं करके आई थी, यहाँ पे हो गया था, आते ही हो गया था दो तीन दिन के अंदर कि भाई अब हम दूर तो हो ही गए, लॉन्ग डिस्टेंस इज नॉट गोना वर्क, सो इट्स फाइन। तो मैंने बोला अरे वेरी गुड, मैं भी सिंगल हूँ। इसने बोला कि क्यों, तुम क्या सिंगल? वो मैंने बोला नहीं यार, वो खत्म हो गया। तो बोला अच्छा। तो मैंने बोला अरे वाह यार, तुम भी सिंगल मैं भी सिंगल, तो हम तो दोनों को ही रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। तो इसने मुझे बोला, वो बात मैंने रिकॉर्ड भी करी। तो एक तरीके से कमल ने मुझे ऐसे हिंट दे दिया कि हाँ भाई चलो। अगले दिन नहीं, उस रात को जाते हुए मैंने कमल को बोला कि मैंने कहा ठीक है फिर, ओके बाय। बोला हाँ ठीक है, तो फिर वी आर तो इन रिलेशनशिप। मैंने बोला हाँ, मैंने कहा देखो अभी तो थोड़ा ऐसे माहौल था, बट अगर कल सुबह तुमने मुझे फोन किया उठते ही, तो मैं समझूंगी कि देयर इज समथिंग। अगर फोन नहीं किया तो फिर यानी कि इट वॉज जस्ट यही बस मजाक में हो गया। ऐसे अगले दिन सुबह मैं तो शूट पे थी, मेरा अर्ली मॉर्निंग का शूट था, तो हम अर्ली मॉर्निंग शूट करके खत्म, शूट चल रहा था। उस शूट में सुबह सुबह जैसे ही कमल उठा होगा 9:30 बजे, तो मेरे को मैसेज आ गया। भाई मैंने ऐसे मैसेज देखा, इतनी बड़ी स्माइल मेरे फेस पे, इतनी बड़ी स्माइल मेरे का आ गया, यानी कि मामला सेट है। देखो सिंपल सी बात है, मेरे को कमल बहुत अच्छा लग गया था उससे पहले। रात को क्या हो रहा था, जब नंबर आ गया मैं अपने रूम पे चला गया था वापस, तो मेरे साथ मेरे एक दोस्त रुका हुआ था। हाँ, अनुराग था यस। तो हम लोग ना बेड में बैठे करते हैं, मैं कहता हूँ लड़की तो अच्छी है। हाँ, ये नहीं तो मुझे बताया। हाँ, आज तक नहीं बताया। मैं कहता लड़की तो अच्छी, क्या करूँ यार, मतलब समझ नहीं आ रहा। मैं अभी कैसा तो नहीं लगेगा कि मैं अभी भी आई जस्ट कम आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, एंड ऐसा ना हो कि वो रिबाउंड की तरह हो जाए और ये वो लड़की बहुत अच्छी है ये वो। तो मैं सोच रहा था चल ठीक है यार, मैसेज करता हूँ फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमारी सेकेंड डे ही लड़ाई हो गई थी। उस दिन भी मेरा शूट था, तो डिसाइड हुआ कि शूट खत्म करके जो है कमल आएगा रात को मिलने के लिए मेरे को। हम रात को कहीं पैसे जाएंगे आएंगे कहीं पे। तो मेरा शूट खत्म होके मैं अभी पहुंच रही हूँ घर पे, रस्ते में एंड मोमेंट पे रात को मुझे फोन आता है कमल का कि यार एक्चुअली ना वो मेरा फ्रेंड जो है वो ऐसे कुछ तो हो गया है मेरा फ्रेंड का, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो मैंने बोला यार ये क्या बात हुई, एंड मोमेंट पे मेरे को ऐसे बोल रहा है, तो फिर मतलब फ्रेंड्स की वजह से ये अभी से ऐसा कर रहा है मेरे साथ। जी मैंने साफ साफ बोला, मैंने कहा मेरे साथ नहीं करना आगे से, मैं पहले बता रही हूँ। तुमने मुझे सुबह से बोला हुआ है कि ये वो, ऐसा नहीं कि मैं मरी जा रही हूँ तुमसे मिलने के लिए, बट इफ यू मेड अ प्लान यू डू इट, बिकॉज यू डोंट नो हाउ आई स्केड्यूल्ड माय थिंग्स ये वो। तो ही सेड कि कल मिलते हैं पक्का, आज नहीं। तो कितना वो लग रहा है ना, डेस्परेट लग रहा है ना, कितनी डेस्परेट थी तुझे मिलने के लिए। बट अगर प्लान बनाया तो उसको करो ना। बस फिर वहां से हमारी पहली लड़ाई हुई थी, फिर अगले दिन कमल आया था मिलने के लिए। कमल को मैंने फिल्म दिखाई थी, फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे, ये लड़की मुझे कैसी पिक्चर दिखाती है, मैं पिक्चर देख के सोच रहा हूँ क्या पिक्चर देख रही है। थ्रिलर देखती थी ना, थ्रिलर देखती थी, वो ऐसा थ्रिलर था, मैं देख के ऐसा हो गया, मैंने कहा ओके वेरी वेरी बैड चॉइस इन फिल्म्स, बट कुत्ता अच्छा है। हाँ, बस एटम स्टोल माय हार्ट द वेरी फर्स्ट डे। सो ये कहानी थी हमारी, कहानी की शुरुआत होने की शुरुआत। तो यार दिस वाज आवर लव स्टोरी, दिस वाज आवर लव स्टोरी, लव स्टोरी मतलब शुरू कैसे हुई हमारी लव स्टोरी। लव स्टोरी तो हमारी और आगे बहुत है, बहुत चीजें हैं, बट या वी हैड अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। एनीवे सो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू शेयर। आई थिंक अच्छा किया हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया इस ब्लॉग में। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर रहा? नहीं यार, कितना हो गया, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 15 मिनट की तो कहानी हो गई हमारी। तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ पूरा ब्लॉग करूं, दिन स्पेंड करूं, बट आई थिंक दिस इज enough for this day, and we just wanted to share our love story with you. I love you. Love you too. Yeah.